देखें, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलते हैं ना, वो दुनिया से बहुत हटके है। वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट दुनिया नहीं खेलती। कैसा हराए? म्यूजिक जो हमारे से जो बेसिकली गलती हो रही थी, क्योंकि जिसपे मैंने काफ़ी जोर दिया, लेकिन इतना नहीं दिया कि मैंने कहा पाकिस्तान की टीम खेल रही है इस टाइम, कि आप अगर 6 ओवर का फायदा नहीं उठाओगे ना, अगर आप आउट होने से डरते रहोगे T20 में। हमारे साथ मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसर बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी कैसर साहब, कैसे आप, खैरियत से हैं? आज बड़े धीमे लहजे में बात कर रहे हैं। धीमा लहजा इसलिए है कि कल की परफॉर्मेंस देख के, जैसे हिटलर ने जर्मनी की टीम को गोली मार दी थी ना, ऐसे सिर्फ मार देनी चाहिए इमरान खान को। ठीक है, इनको सदाए मौत देनी चाहिए, क्योंकि इतने दलकोर बहुत अच्छा हो गया। आप लोग का हमेशा ऐसे शर्मिंदा होना चाहिए, बहुत खुश हो गया। हम मजाक करते हैं, हम अपना एक तरीका कार होता है, एक बैंटर चलता है, आपस में भी चलता है, दूसरी तरफ भी करते हैं, अपनी टीम पे भी करते हैं, मगर इतनी ज्यादा मनफी सोच क्यों है उनकी तरफ? अब जब वो नहीं रहे वर्ल्ड कप में, I can't answer on their behalf because this is a different mindset I'm used to. मैं इंडिया में बड़ा रहा हूँ, 10 साल रहा हूँ, मेरे इंडिया में बहुत सारे दोस्त हैं, हर शहर घूम रहा हूँ, enjoyed their food, enjoyed their hospitality, been looked after there. But in last four, five years, I think this hatred probably is a strong word I'm using, is gone to a next level. अगर इंडिया नहीं है नॉकआउट्स में, ठीक है, वो सोचें कि उनके अगर सोचने से अगर पाकिस्तान ने हारना, तो फिर हम कभी कभी हार चुके होते। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। My answer also the same, nothing, no difference. बात करते हैं अब शेख चिल्ली रशीद की, तो शेख चिल्ली रशीद ने तो इस क्रिकेट को क्रिकेट खेलना समझ के एक धर्म युद्ध बना दिया था, इस्लाम की जीत बता दिया था। अगर उसके लिए ये वो इस्लाम की जीत थी, तो भैया कल तुम्हारा इस्लाम हार गया है और तुम्हारे इस्लाम को वर्ल्ड कप से बाहर फेंक दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। और आज सारे आलम इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है, सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। हसन अली के बारे में क्या बोलते हो भाई तुम? हसन अली तो रो का एजेंट है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं पाकिस्तान का मैच फिक्स था, फिक्स था। मैं कहता हूँ मैच फिक्स नहीं था भाई, हमने हमारा एजेंट छोड़ा हुआ था, हमारे रो का एजेंट हसन अली। जिसने कैच छोड़ा और पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इस्लाम को उठा के बाहर फेंकवा दिया वर्ल्ड कप से, वो था हसन अली। हसन असली हमारा असली हीरो है। ये पाकिस्तान मैच हार चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? यार ये हसन अली शुरू से ही अपनी मावे ने करवा रहा था और कंट्रोल था, और इसने आज वही किया, कैच छोड़ के आखिर में सारा मैच हाथ से निकलवा दिया। अच्छा कोई गाना सुनाना चाहेंगे इस वजह में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक ही गाना सुनाना चाहूंगा, ये हसन अली को डेडिकेट करूंगा मैं, दिल दिया गल्ला हसन अली धल्ला। म्यूजिक तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। आ भाई पहले से आराम है। कैसे दिया आपको? हाँ तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, किदा हो तुसी? अब आओ कमेंट करके जाओ मेरे पुराने पुराने वीडियो पे, जाने कहाँ कहाँ तुमने मेरे को पूरी रात नहीं सोने दिया, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे ब्लॉग चैनल, कहाँ कहाँ कमेंट नहीं किए तुमने भाई। अब किधर हो भाई, कमेंट करो, बताओ इस्लाम हार गया है।
ये अब नहीं आएंगे क्योंकि ये अब कहीं मुंह छुपा के बैठे होंगे, क्योंकि जो इन्होंने बड़े बड़े अहंकार ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया था अपनी टीम के ऊपर वो सारा चकनाचूर हो चुका है। पाकिस्तान में एक बार फिर से लोग गुस्से में टीवी फोड़ रहे हैं। आइए जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं, टेलीविजन फोड़ने की तस्वीरें आई हैं एक बार फिर से। ये देखिए, हाँ ये कर लो पहले। और वहाँ पे कमेंट्री बड़ी दिलचस्प है कि क्रिकेट का जनाजा निकल रहा है, सुनिए। यहाँ पर क्रिकेट के दीवाने ने गुस्से में टीवी तोड़ दिया है। मिर्जा अली हमारे नुमाइंदे हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा क्या अपडेट है इस हवाले से, शायकीन क्रिकेट बहुत गम गुस्से में नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप मनाजिर जैसे कि मुल्तान में क्रिकेट का जनाजा निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, खवातीन की जानिब से क्रिकेटर्स को चूड़ियां। बिल्कुल, नॉकआउट में पाकिस्तान के साथ चार मैच इससे पहले खेल चुके थे, चारों इन्होंने जीते, आज ये पांचवा मैच जीत गए। नॉकआउट में बहुत बेहतर है। आपकी और आप है ना 30 रन कर लेते तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छा है कि जी हम कवर कर लेंगे, लेकिन बास जगह पे आपको ना 60 रन भी करने पड़ते हैं बेशक आपकी दो विकेटें गिर जाएं। हम जो हमारे से जो बेसिकली गलती हो रही थी कि जिसपे मैंने काफ़ी जोर दिया लेकिन इतना नहीं दिया कि मैंने कहा पाकिस्तान की टीम खेल रही है इस टाइम, कि आप अगर 6 ओवर का फ़ायदा नहीं उठाओगे ना, अगर आप आउट होने से डरते रहोगे T20 में कि जी नहीं हमारी पार्टनरशिप 10 ओवर तक ही चलेगी, तो फिर आप है ना बड़ा टारगेट सेट नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया का ओपनर क्या था ये खब्बा अपना वार्नर ने 30 बॉलों पर 49 किया, उसके साथ विकेटें गिर रही थी लेकिन वो मुसलसल पाकिस्तान के बॉलर्स पे प्रेशर रख रहा था। ऐसा नहीं कि उन्होंने देर था कि जी एवरेज को ऊपर लेके आ रहा था। T20 खेलने का एक स्टाइल है, सो उस स्टाइल को है ना हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। जिस तरह मुश्ताक ने अभी बात की ना कि सारी टीमें बाहर होगी सब कॉन्टिनेंट की, वो क्यों हो गई, हम सारा किसी और तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो किसी और तरीके से खेल रहे हैं। शबाई आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर, दोनों बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं, रिजवान ने भी 1000 रन से ज्यादा, बाबर आजम मेरे ख्याल से जितना जबरदस्त उन्होंने खेला है जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन T20 के लिहाज से अगर बैटिंग विकेट हो आपके ख्याल में क्या थोड़ा सा गुंजाइश है कि स्ट्राइक रेट और बेहतर हो सकता है इनका? देखें जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलते हैं ना वो दुनिया से बहुत हटके है, वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट दुनिया नहीं खेलती, दुनिया खेलती 150 के स्ट्राइक रेट से। दुनिया का मिडिल ऑर्डर खेलता है, जो लोअर मिडिल ऑर्डर खेलता है वो 150-200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, जो उनके ओपनर खेलते हैं वो 150+ के स्ट्राइक रेट से जाते हैं। दुनिया में हम बहुत लैक करते हैं, देखिए ये वो मौका नहीं है शहजाद जहाँ पे अभी अपनी खामियां गिनवाने का। अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू आई एम वेरी डीपली हर्ट, आप देखें ना आपके सबके मुंह उतर गए हैं, जो स्टूडियो बैठे हुए सारे हमारे सीनियर प्लेयर हैं, पूरी आवाम है, मैं हूँ, यू नो ऑब्वियसली इट्स रियली हर्ट्स, इट डज हर्ट। और अब ये मौका नहीं है शहजाद गलतियाँ गिनवाऊँ या ये करूँ। जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलते हैं वो तकरीबन अभी भी लेट 90s की है, जो दुनिया खेलती है वो 20 साल की आगे क्रिकेट खेल रही है हमसे। हम दो आउट होते हैं बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं, वो नहीं छोड़ते आपको, वो इंग्लैंड भी दो आउट होती है वो छोड़ते नहीं पड़े। अच्छा, लेकिन इस पॉइंट पर ही आपका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पॉइंट पर भी लोग आर्ग्यू करेंगे कि देखिए हम पुराने स्टाइल की क्रिकेट खेल के भी 5 मैच जीते और फेवरेट थे, तो फिर हम पे क्यों ये जोर डाला जाए कि हम अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट तब्दील करें? जी जी, इसलिए थे कि आप अबू धाबी और दुबई में खेल रहे हैं ना यार, और दूसरा आप टॉस जीत रहे हैं ना, आप दूसरी बैटिंग कर रहे हैं ना, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आपके सारे सिनेरियो आपके फेवर में जाते हैं ना, आप दूसरी बारी खेल रहे हैं, आप पे लेस प्रेशर है, आप पे 100 के स्ट्राइक रेट से भी आप खेलो तो आपको प्रेशर नहीं है, जैसे इंडिया में आप डीप खेलते रहे हैं, फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान के खिलाफ आप जैसे खेले, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, जैसे क्रिकेट खेले तो आपने मैच मुकाया, आपने कोई बहुत ब्रिलियंट बैटिंग नहीं की है आपने। सो देखें फ़खर का चल जाना वो ठीक था, एडिशनल प्रेशर वो एडिशनल चीज़ थी, बट शहजाद अभी ये वक्त नहीं है कि जहाँ पे अभी हम बहुत ज़रा टेक्निकल बात करें। बट आई टेल यू वन थिंग यार, देखो वी लॉस्ट एज अ नेशन। ओवरऑल मैं तो ये बोल सकता हूँ कि खेल खेल होता है, खेल को खेल की तरीके से खेलना चाहिए। इन पाकिस्तानियों को ये लगने लग गया था कि हम भगवान बन चुके हैं और हमको कोई नहीं हरा सकता है, हम अजय हो चुके हैं,
लेकिन भाई साहब गेम है गेम, अंत हर चीज का आता है। 28 साल बाद तुम पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हमसे जीते, अंत इसका भी आया। तो तुम्हारा जो तुमने बड़े बड़े बोल बोले थे ना, कितने आदमी थे अब बताओ, मैं बताता हूँ कितने आदमी। एक आदमी था हसन अली तुमको पहनने के लिए।